हे गाइस, वेल्कम टू ट्रेवलाइट्रा। और आज के व्लॉग में हम अपने फ्रेंड सूरज के साथ में, जो हमें काउच सर्फिंग के थ्रू मिला था, उसके साथ में हम जाएंगे गंगा जी के किनारे और बीचेस एक्सप्लोर करेंगे और फाइनली हम पहुंचेंगे छोटी वाला रेस्टोरेंट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्लॉग बिना किसी देरी के। लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। तो गाइस, अभी हम चल रहे हैं रामझूला की तरफ एंड ये रास्ता आज हम थोड़े डिफरेंट रास्ते से जा रहे हैं, जो कि हमारे सूरज भाई ने बताया। हम बोलते हैं ये शॉर्ट रास्ता है, बट मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। लाइक और देख सकते हो आसपास ऐसी टहनियाँ हैं, पेड़ है छोटे छोटे। हाँ वो भी देख के आ रहे हैं, कोई नहीं। अच्छा इधर भी बढ़िया है क्या? ओके ओके, चलो आगे से देख लेंगे। तो ये है, बाकी अभी सूरज भाई को मैंने बीटल्स आश्रम के बारे में पूछा था, तो वो बता रहे कि बीटल्स आश्रम का नाम बीटल्स आश्रम क्यों पड़ा। तो वो बता रहे थे कि 40 कुटियाँ वहाँ पर है एंड जो बीटल्स ग्रुप है, सिंगिंग ग्रुप है, बैंड है, उन्होंने वहाँ पे आके अपने 40 गाने लिखे, ये हमारे सूरज भाई बता रहे थे। और तभी से वो उतना फेमस हो गया और उसका नाम भी बीटल्स आश्रम पड़ गया। सो ये कुछ नया पता चला आज हमें। एंड ये हमारा हीरो यहाँ पे चल रहा है। ओके, सो हीरो इंटरेस्ट में नहीं है, उसका अलग ही चल रहा है। और अभी यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बारिश होने लगी है। आई थिंक इतना कैमरा सर्वाइव कर लेगा मेरा। हल्की हल्की बारिश है अभी, ज़्यादा इतनी तेज़ है। और देख रहे हो आप कितनी ग्रीनरी और वो है। आई थिंक मॉर्निंग वॉक के लिए भी ये बहुत बढ़िया जगह है, अपना यहाँ पे टहल के आप जा सकते हो, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है, लाइक थोड़ा सेफ भी हो जगह, ग्रीनरी भी हो। और वो आप जंगल में उतना नहीं चल सकते जैसे इन सड़कों पे या गलियों में चल सकते हो जहाँ आसपास ऐसी ग्रीनरी हो। सो सबसे अच्छी जगह है। सो और अभी हम रामझूला शायद पहुँचने वाले होंगे जो भी। और अभी आसपास शायद 4:30 बजे हो गए हैं। विक्की भाई अभी को 5:30 बजे फ्री होंगे, तो आई थिंक हम शायद 6 बजे ही मिल पाएंगे विक्की भाई से, क्योंकि वो भी यहाँ तक आएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। एंड मौसम अभी ठीक हो गया है, हल्की बारिश हो रही है, एक छाता लेके मैं आया हूँ। देखते हैं आगे के प्लान्स कैसे रहते हैं, चलते हैं गाइस। गाइस अभी हम एक बीच पर है जो कि रामझूला के पास में है। एंड मेरे पीछे का व्यू है जो आप देख सकते हो, पीछे गंगा जी और इस साइड पे हमारा रामझूला है। काफ़ी खूबसूरत जगह है ये, ठीक है। बीच इस साइड पे है, सो ये बीच बढ़िया है, मतलब रेत वेत है, पत्थर वत्थर है बड़े बड़े। और इधर किसी ने टेंट भी लगा रखा है, जो कि आई थिंक रात के टाइम पे अलाउड नहीं है, अभी शायद अलाउड है पता नहीं, पर यहाँ पे हाँ पत्थरों पे बड़े बड़े लिखा हुआ है नो बाथ हेयर एंड इस तरीके से। और हमारे यहाँ सूरज भाई बैठे हुए हैं, तो वो बता रहे थे कि वही लेकर आए इस बीच पे, मुझे नहीं पता था इसके बारे में, जो रास्ता ही लेकर आए उसी से ही आता है। एंड सूरज भाई थोड़ा सा अपना मास्क वास्क लगा के रहते हैं सेफ्टी के लिए। तो सूरज भाई आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है, कैसा मौसम है? और ज़्यादा सुहाना है, मतलब है ना, धूप नहीं है, सब अच्छा है ट्रैवल करने के लिए, कंफर्टेबल है एकदम, बिल्कुल कंफर्टेबल। और लाइक मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है ऐसा मौसम में आप बाहर घूमते रहो बस। और बारिश भी ऐसी कोई खास नहीं है, मुझे लगा था कि बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो दिक्कत होगी, बट थोड़ी बहुत हुई, कम हुई, बड़ी थोड़ी हुई, लेकिन अभी यह ठीक है। और अभी ऐसा मौसम कल भी रहेगा थोड़ा बारिश वैसा, हमें भी हो सकता है कल थोड़ी ज़्यादा बारिश हो, देखते हैं क्या रहेगा। और इधर राफ्टिंग अभी भी चल रही है, और ये देख सकते हो आप इधर का, वो देखिए एक राफ्ट वहाँ पे थोड़ी सी अटक गई है कि पता नहीं रुकी है, आई थिंक रुके हैं वो लोग, कुछ इशू हुआ है ये जो भी। और ये देखिए, ये इधर है हमारे रामझूला, और यहाँ पे अपने फोटो सेशन चल रहे हैं यहाँ पे, जो मैं भी करूँगा थोड़ी देर में। और ये हमारी गंगा जी,
तो अभी हमारे भाई के साथ डिस्कशन हो रहा था आगे के प्लान के लिए क्या करना है थोड़ा घूमने फिरने का, तो हमने डिस्कस किया लाइक परसों फ्री होंगे, कल तो थोड़ा इनको काम है, परसों हम फिर जाएंगे नीलकंठ एंड सॉरी नीलकंठ मैं शायद कल जाऊँगा, परसों हम लोग नीलगढ़ वाटरफॉल और उसी साइड पे दो तीन चीज़ें हो रहे हैं तो देखेंगे कैसा रहेगा। कोशिश गुफा भी एक है, तो मेन सारी चीज़ रहेगी ट्रांसपोर्ट क्या लेंगे हम उस चीज़ का थोड़ा सा है, पर ये अपन के थोड़े से प्लान है कि कल हम थोड़ा एक्सप्लोर करें। क्या बोलते हैं टू व्हीलर भी लेके अपना एक रेंट पे लेके भी जा सकते हैं जो भी है। हाँ मतलब देखते हैं क्या रहेगा, ये अपना परसों का प्लान करेंगे और जाएंगे फिर साथ में। कल का मेरे को फिर शायद अकेले ही जाना पड़ेगा थोड़ा, मैं सोच रहा हूँ नीलकंठ एंड जो भी आसपास का रहेगा नीलकंठ के साइड पे, देखते हैं नीलकंठ में कितना टाइम लगेगा और फिर वो करके थोड़ा आसपास का जो भी उसका एरिया का होगा वो करेंगे वापस आएंगे। इन एनी केस हर चीज़ में मेरे को मेन इशू रहेगा ट्रांसपोर्ट का कैसे रहेगा, क्योंकि अभी उतनी बसेस चल नहीं रही जितनी नॉर्मली चलती है, पर अपन देखेंगे लिफ्ट लेके जाएंगे चाहे खींच जाएंगे क्या बोलते हो, तो वो ट्राई करूँगा मैं कल, तो बाकी परसों देखते हैं कि कल का क्या एक्सपीरियंस रहेगा, उसके बाद देखेंगे कि एक जने की जगह दो जगह कहीं चाहिए। सो मिलते हैं अभी आगे, और मौसम अच्छा हो रखा है, हवा भी अच्छी चल रही है। थोड़ा सा आपको बीच दिखाता हूँ, बीच का नाम तो मुझे नहीं पता बट ये बीच रामझूला के पास में है, कुछ आगे तो आपको पता ही लक्ष्मण झूला के साइड पे गोवा बीच नीम बीच ये सब है, पर इस बीच का क्या नाम है ये मुझे नहीं पता, पर आपको मैं प्रॉपर बीच थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये आप देख सकते हो ये है बीच, कुछ ऐसा दिख रहा है, इस साइड पे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, यहाँ पत्थर है एंड ये देखो ये लगा रखा है भाई लोगों ने, इन्होंने टेंट, और यहाँ चल रहा है फोटो सेशन। आगे से और प्यारा लग रहा है एक्चुअली में बीच, ठीक है अभी थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखाएंगे, वहाँ पे भी इस तरीके से लाइक फ्लैट थोड़ा अच्छा है और साफ़ सुथरा भी, तो दिखाएंगे चलते हैं आगे, और रामझूला आपको दिख रहा होगा और करते हैं आगे। हम निकल रहे हैं बीच से एंड वे ऊपर जा रहे हैं चोटी वाला रेस्टोरेंट की तरफ, बीच का अभी हमें नाम नहीं पता चला वरना मेरा पूरा मन था आपको बताने का, तो पूछ लेंगे किसी से अभी ऊपर क्या नाम है इस बीच का, और फोटोज हमने खींची एंड हवाएं काफ़ी अच्छी चल रही है जैसे कि बताया आपको। तो अभी हम जा रहे हैं छोटी वाला रेस्टोरेंट और विक्की से भी मिलने का टाइम हो रहा है, अराउंड 5:15 हो गए हैं, तो वो निकलेगा एंड फिर आएगा, अगर पैदल आएगा तो टाइम लगेगा, सो देखते हैं कैसा रहता है। एंड ये सीढ़ियाँ हैं, यहाँ आप डायरेक्ट भी आ सकते हो, यहाँ आपको दिखेगा स्वर्ग आश्रम ट्रस्ट, ठीक है इसके सामने ही है बिल्कुल एक जगह, अगर आप देखो तो शिव गंगा कुटी स्वर्ग आश्रम ट्रस्ट का, या अगर आपको दूसरा रास्ता बताऊं तो रामझूला से जैसे ही आप पार आते हो तो आपको लेफ्ट साइड पे ये एरिया मिलेगा देखने को। इसको बोलते हैं शिव गंगा घाट, बीच का तो नाम नहीं पता बट शिव गंगा घाट बोलते हैं इस जगह को, घाट तो वही घाट बीच जो भी, घाट थोड़ा सा धार्मिक होता हो जाता है और बीच अपना थोड़ा सा फॉरेन और वेस्टर्न टाइप का हो जाता है। सो हमारा ये शिव गंगा बीच कह लो या घाट कह लो, और यहाँ देख सकते हो जैसे मैंने आपको बताया पीछे यहाँ पे आश्रम है, कुटिया है, ट्रस्ट है, और ये भी काफ़ी अच्छा सा है रास्ता, पेड़ वेड़ लगे हैं, ग्रीनरी है, और व्यूज तो आपको दिख ही रहे होंगे इस साइड पर कितने कमाल के, सो बहुत ही खूबसूरत है ये। आप कह रहे होंगे पूरे टाइम में तारीफ ही कर जा रहा हूँ, और मुझे लिटरली मज़ा आ रहा है वो कर रहा हूँ, बाकी कुछ नया दिखेगा दिखाने को तो आपको दिखाएंगे बताएंगे उसके बारे में। अभी हमने बताया छोटी गंगा कहाँ जा रहे हैं, छोटी वाला के पास जा रहे हैं ना, तो वहाँ जाएंगे मैं भी, देखते हैं वहाँ पर छोटी वाला मिलेगा हमें कि नहीं, क्योंकि उसी के लिए मेन फेमस है रेस्टोरेंट, एक आदमी होता है उसकी चोटी होती है लंबी सी, तो देखते हैं वहाँ जाके। एंड ये देखिए आगे का व्यू, दोनों है क्या?
अभी ये क्या अलग अलग है, आई थिंक अलग अलग है बट पूरा दोनों छोटी वाला मतलब लाइक उसी के ही होंगे शायद। एंड काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट है ये, हरिद्वार में ज़्यादा वो है और यहाँ का भी है, तो दोनों जगह पे है। देखेंगे उस पर ट्राई करेंगे, जहाँ पे ज़्यादा अच्छा एम्बियंस होंगे वहाँ देखेंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे और फिर देखते हैं। आई थिंक फेमस वाला यही है, सो आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पे इतने इतने लोग आ रखे हैं तरह तरह के। 1958 से हैं, फाउंडर इसके लेट हर्षवर रूप अग्रवाल हैं और इवन मीनू तक लगा हुआ है पुराना शायद। सो आई थिंक पहले का रहता होगा ये शायद, उन्होंने थोड़ा बढ़ा लिया होगा थोड़ा, बैलेंस लगी हुई है, अच्छा लग रहा है और ट्राई करते हैं क्या। बिल्कुल राम झूला से लग के बढ़ता है, राम झूला के इस साइड पे आपका आगे लक्ष्मण झूला का रोड पड़ता है, इस साइड पे आपका राम झूला के साइड पे ये आपका छोटी वाला रेस्टोरेंट है। तो अंदर जाते हैं और देखते हैं कैसा है, कुछ ट्राई करते हैं खाने वाने का और चलते हैं। वैसे यहाँ का आपको दिख रहा होगा एम्बियंस, जो कि लिटिल बुद्धा कैफे से तो काफ़ी अलग है बट हाँ रेस्टोरेंट के हिसाब से परफेक्ट है। और यहाँ पर जो सजावट हो रखी है वो सारी हो रखी है हमारी न्यू ईयर की, तो उसी के बैलून्स लगे हुए हैं एंड ऑफ। तो देखते हैं कुछ ऑर्डर करते हैं, खाते हैं और ट्राई करते हैं कैसा है छोटी वाला। चलो यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे गढ़वाली स्पेशल चीज़ें भी है, लिखा है गेत सूप गेत पराठा, आई थिंक कुछ नया ट्राई करेंगे आज, देखते हैं कैसा रहता है।